श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्रदीन रत्नाकर सूर्य की पाठ परंपरा पर सुशोभित वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर आचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सूर्य जी महाराज के आज्ञानुवर्ती गणिवर्य डॉक्टर श्री इंद्रजीत विजय जी महाराज साहेब मुनि श्री सत्येंद्र विजय जी महाराज साहेब एवं मुनि श्री रतेंद्र विजय जी महाराज साहेब आदि ठाणे 3 का चतुर्मास हेतु भव्य प्रवेश पेट्रोल पंप सेक्टर 28 से श्री महावीर स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर सेक्टर 28 चंडीगढ़ में हुआ, जहां महाराज साहेब जी ने धर्म सभा को संबोधित किया। लाला ठाकुरदास पन्नालाल श्रीपाल सुरेश कुमार सनल जादूगढ़ परिवार गुजरावाला अंबाला चंडीगढ़ इस चतुर्मास के लाभार्थी परिवार रहे। कुसगे जह ओ सबिंदु ए सम थोवम मनुयान जीवियं समयं गोयम मापमाये समयं गोयम मापमाये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान, ऐसे चार चार ज्ञान के मालिक, अनंत लब्धि के स्वामी, ऐसे गौतम स्वामी जी महाराजा को श्रवण भगवान महावीर स्वामी अप्रमत्तता की ओर अग्रसर करते हुए फरमाया कि हे गौतम, हमको जो यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है, वह मानव जीवन कितना क्षणिक है, कितना क्षण भंगुर है। कुसग्य जह ओस बिंदुए थोवम चिट्ठई लंब मानए। परमात्मा ने कहा कि जैसे प्रातः काल में बाल रवि की किरणें कुसा के अग्रभाग पर पड़ती है, कुसा नाम की एक वनस्पति होती है जिसको डाभ भी बोलते हैं, तो उसका जो ऊपर का जो भाग होता है वो बड़ा नुकीला होता है, तो रात्रि के समय ओस की बूंद उस नुकीले भाग पर गिरती है प्रातः काल में, और इधर बाल रवि की किरणें उस पर पड़ती हैं। तो जो ओस की बूंद होती है वो चमकने लगती है, इतनी सुहावनी लगती हैं, मोती की तरह चमकने लगती हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि उसका अस्तित्व कितना, वो कितनी देर तक टिक सकती हैं। जैसे ही थोड़ा सा हवा का झोंका आया कि वो नीचे लुढ़क जाती है, जमीन में मिल जाती है, हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती हैं। तो परमात्मा फरमा रहे हैं, परमात्मा की वाणी में कितना ओज है,
कितना प्रभाव है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे ओस की बूंद का कोई भरोसा नहीं, वैसे ही हमारे जीवन का भी कोई भरोसा नहीं। जो हमको जीवन मिला हुआ है उसका भी कोई भरोसा नहीं, यानी हमारे लिए समय बड़ा कीमती है। यानी हमने जन्म लिया, बचपन गया, जवानी गई और हमने बुढ़ापे में प्रवेश कर लिया, यानी समय तो जा रहा है, यानी समय रुकता नहीं है। समय तो पानी की तरह बहता है, लेकिन ये बहते हुए समय में, समय के प्रवाह में जो कुछ कर लेता है, आत्मकरणी कर लेता है, धर्माराधना कर लेता है, वो अपने जीवन को सार्थक बना लेता है, सफल बना लेता है। तो हमारे लिए समय एक बड़ी चीज है, एक अनमोल चीज है, इसको गंवाना नहीं है। कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वापस मिल जाती है, कुछ खो गया, कुछ सामान खो गया, कुछ चीज़ खो गई तो वापस भी मिल जाती है। गई संपत्ति फरी सौ पड़े, गुजराती कवि ने लिखा है कि गई संपत्ति फरी सौ पड़े, गया वड़े छे वहान, गत अवसर आवे नहीं, गया न आवे प्राण। कवि ने कहा कि गई संपत्ति फरी सौ पड़े, यानी कि एक बार हमारे हाथ से धन चला भी जाए, संपत्ति चली भी जाए, तो उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई करोड़पति व्यक्ति होता है और अचानक उसके धंधे में, बिजनेस में नुकसान हो जाता है, तो वो व्यक्ति करोड़पति रोड़पति बन जाता है। क्या बन जाता है? वो रोड पर आ जाता है, लेकिन उसका भाग्य साथ देता है, वो हिम्मत नहीं हारता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, तो गया हुआ धन भी वापस वो प्राप्त कर लेता है, यानी गया हुआ धन भी मिल जाता है। और दूर दूर देशों में गए हुए जहाज भी अपने देश में वापस लौट आते हैं। तो दो चीज़ें तो हम प्राप्त कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कवि ने कहा कि गत अवसर आवे नहीं, गया न आवे प्राण। एक बार हमारे हाथ से गया हुआ समय और इस शरीर से निकले हुए प्राण वापस कभी आते नहीं है, यानी प्राण गए सो गए, फिर वापस नहीं मिल सकते हैं, वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये दो चीज़ों का महत्व परमात्मा ने बताया कि समय कितना महत्व का है। गौतम स्वामी जी महाराजा जो चार चार ज्ञान के धारक थे, इतने बड़े महापुरुष थे, लेकिन ऐसे महापुरुष को भी परमात्मा ने एक बार नहीं, बार बार कहा, समयम गोयम मापमाय ए। हमारे जैसा होता तो परमात्मा को कह देता कि मेरे उसको सब पता है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन गौतम स्वामी महाराजा इतने विनीत थे, इतने विनम्र थे कि इतना इतना ज्ञान होने के बाद भी परमात्मा के साथ एक बच्चे की तरह रहते थे, बालक की तरह रहते थे। और इस प्रकार से ये परमात्मा ने संबोधन गौतम स्वामी का किया। लेकिन ये जो उपदेश हैं, परमात्मा का जो उपदेश है, वो हम सभी के लिए हैं। इसीलिए ये चातुर्मास के दिनों में हमको क्या करना है, जैसे हमारे सेक्रेटरी महोदय पंकज जी ने बताया कि हमको चातुर्मास के दिनों में स्वाध्याय करना है, ज्ञान ध्यान तप जप सब करना है, स्वाध्याय करना है। यानी कि हमको अब प्रधान जी अखबार नहीं पढ़ना है, क्या करना है, सुबह सुबह में
हमको अखबार नहीं पढ़ना है, हमको आगम पढ़ना है। क्या करना है? चातुर्मास के दिनों में अखबार नहीं, हमको आगम पढ़ना है। क्या करना है? आगम पढ़ना है। ठीक है, हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम सीधे उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ने लग जाए या आचारांग सूत्र भगवती सूत्र पढ़ने लग जाए, लेकिन जो हमारी धर्म क्रिया है, धर्म क्रिया के जो सूत्र हैं, जो दिनचर्या के सूत्र हैं, ऐसे सूत्र तो हम कम से कम याद करें। दो प्रतिकमन कितने, कम से कम हम दो प्रतिकमन तो करें। दो प्रतिकमन हम कर लेंगे तो गुरु वंदन विधि, चैत्य वंदन विधि, सामायिक वगैरह हम कर सकते हैं, और सुबह और शाम का प्रतिकमन हम अपने आप कर सकते हैं। यानी दूसरे के भरोसे हम नहीं रह सकते। हम सुबह का प्रतिकमन करना है, अपने को आता है, दो प्रतिकमन आता है तो हम खुद कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। इच्छा हो गई कि चलो आज शाम का प्रतिकमन करना है मुझे, तो हम प्रतिकमन कर सकते हैं। यानी कि ये कब होगा कि जब हमको ये दो प्रतिकमन के सूत्र आएंगे। हमारे गुरुदेव परमार क्षत्रियोधारक आचार्य भगवान श्रीमद विजय इंद्रदिन सुरेश्वर जी महाराजा फरमाया करते थे, श्री संघ को कहते थे कि ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम पंच प्रतिकमन, चार प्रकरण, जीव विचार, नव तत्व, लघु संग्रहणी, दंडक, ऐसे जो मूलभूत जो प्रारंभिक ज्ञान है, इतना ज्ञान भी अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे समाज की कायापलट हो जाएगी। तो चातुर्मास के दिनों में मेरा यही प्रयास होगा, जैसे जलंधर चातुर्मास में भी मैंने यही किया कि चातुर्मास के दिनों में हम जैन हैं तो हमारे जीवन में जैना और दूसरा जैनत्व होना चाहिए। क्या दो चीज़ें? चंडीगढ़ से जसविंदर और विकास की रिपोर्ट।